हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ नवरात्रि में छठा दिन जो होता है उस दिन हमें किस देवी की पूजा करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो नवरात्र के शारदीय नवरात्र के छठे दिन हमें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और उनका बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। माँ के इस रूप करुणामयी बताया गया है। देवी ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया था, जिस कारण उन्हें कात्यायनी देवी के नाम से जाना गया। माता कात्यायनी के का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। यह सिंह की सवारी करती है और इनकी चार भुजाएं हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की जब आप पूजा करें तो माँ को फूल तो चढ़ाएंगे ही, तिलक लगाएंगे, पंचामृत से स्नान करवाएंगे, प्रसाद तो अर्पित करेंगे ही। और प्रसाद में अगर आपको शहद मिल गया तो शहद ज़रूर से ज़रूर माँ कात्यायनी को अर्पण करें। माँ इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करती है। हर नवरात्रि का अलग अलग रंग होता है, तो माँ कात्यायनी के दिन का जो रंग होता है वो होता है हरा, ग्रीन कलर। और माता का जो ये स्वरूप है, इनकी चार भुजाएं हैं और ये सिंह पे सवार रहती हैं। और माँ को पीले रंग का फूल हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए और शहद तो प्रसाद में चढ़ाना ही चढ़ाना है, इससे वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और आप चाहे तो उनको हलवे में शहद डाल के दे सकते हैं या जैसे भी आप ऐसे भी शहद दे सकती हैं। इसके बाद माँ कात्यायनी का जब भी आप, जैसे कि आपको पूजा करनी है, तो नहा ले, स्वच्छ कपड़े पहने, हो सके तो लाल या पीले रंग के कपड़े ही पहन के पूजा करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। पीले रंग का फूल उनको अर्पित करें तो ऐसा शुभ माना जाता है। आप नहीं है आपके पास तो पीला रंग, लाल रंग, तो आप दूसरे भी साफ़ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। फिर वही माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं और नियम से शहद तो चढ़ाएं ही आप। उसके बाद माता की आरती करें और मैं आपको लास्ट में बताऊँगी माता का कौन सा मंत्र है और क्यों माँ कात्यायनी का पूजा करना इतना कुंवारी कन्याओं के लिए ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो किसी की अगर विवाह में अड़चने आ रही है, विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, नहीं बन रही है, अच्छा कहीं रिश्ता नहीं आ रहा है लड़कियों को, तो ये मंत्र मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो कुंवारी कन्याएं अगर माता की पूजा करें, कात्यायनी माँ की, जो दुर्गा माँ का ही रूप है, छठा रूप है, उनकी अगर पूजा करती है विधिपूर्वक तो अच्छा वर मिल जाएगा और जल्दी शादी हो जाती है। आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार वनमिकथ का नाम का एक महर्षि थे, उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वो उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। तब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया था और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया, इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन माँ कात्यायनी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके
अत्याचार से बचा दिया था। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा। और मैंने आपको बताया था कि माँ कात्यायनी विवाह से जुड़े जितने अड़चन हैं, बाधाएं हैं, सबको दूर रखती है। आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, राहु केतु का मांगलिक दोष हो, कोई भी बाधाएं हो, तो सुबह शाम एक माला यानी कि 108 बार माता के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी शादी शीघ्र से शीघ्र हो जाएगी। मैं आपको मंत्र भी बताऊंगी। और एक और कथा है कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में गोपियाँ अपने पति के रूप में पाने के लिए या उनसे विवाह करने के लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना की थी। तो इनका आप जब पूजा करेंगे तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन के पूजा करें। आसन जो होगा वो केले के पत्ते का आसन होगा। मुंह में पान या इलायची रख के आपको मंत्रों का जाप करना है। यही एक ऐसा मंत्र है जिसमें आपको मुंह में कुछ रख के मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र कुछ इस प्रकार है शीघ्र विवाह के लिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो इस मंत्र को आप सुबह स्नान करके जो मैंने नियम बोला है उस हिसाब से बैठ के एक माला 108 बार आपको जाप करना है। तो इससे शीघ्र विवाह होता है, सब बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे ही और पूजा से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।